नमस्कार अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। सबसे पहले बात करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की। बेमौसम बारिश ने सूबे में किसानों की कमर तोड़ दी है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सीएम अखिलेश ने पीड़ित किसानों को तुरंत राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। तो उधर बेमौसम बारिश के कारण सब्जियां महंगी हो गई हैं। बाजार में टमाटर, लौकी समेत दूसरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक हो गई है। बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। तो यूपी में भी अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़ा बदलाव होने की संभावना है। राज्यसभा सांसद राज बब्बर को यूपी कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। स्वाइन फ्लू का सितम अभी खत्म नहीं हुआ है और अब यूपी में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। अमेठी में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद से यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। तो इन खबरों के अलावा भी कई और खबरें होंगी जिस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पांच बड़ी खबरों की बात करें तो वाकई चिंता बढ़ाने वाली है। अगर मौसम की बात करें या फिर स्वाइन फ्लू के बाद जिस तरह से बर्ड फ्लू ने आहट दिए। बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं बेमौसम बारिश की। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गंभीरता दिखाते हुए जल्द राहत राशि जारी करने के निर्देश दिए। इमरजेंसी फंड से 200 करोड़ जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोन की वसूली पर भी रोक लगा दी है। सीएम ने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि जहां पर बारिश की वजह से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है वहां किसानों को वैकल्पिक फसल के लिए तत्काल बीज वितरित करें। इसके अलावा सीएम ने बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की वजह से असमय हुई मौत के लिए भी 5 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि सहायता वितरण करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मुख्य सचिव ने सभी कमिश्नर और डीएम को आपदा राहत की राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो भारी बारिश से फसल को हुए नुकसान का मामला आज यूपी विधानसभा में भी गूंजा है। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीएसपी और बीजेपी ने इस मामले को सदन में उठाया और जमकर हंगामा किया। बीएसपी ने सदन की कार्यवाही रोककर तुरंत चर्चा की मांग की और वॉकआउट किया, तो वहीं बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर अपना विरोध दर्ज कराया। बहुजन समाज पार्टी ने इस अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को तात्कालिक राहत दिलाने के लिए सूचना लगाई है। सूचना स्वीकार भी हो गई है जो प्रश्न पहर के बाद शून्य पहर में आएगी, तो उस पर विस्तार से हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन सही मायने में सरकार को इस पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील होकर के तात्कालिक प्रभाव से किसानों को राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। हमने सदन जब बैठते ही मैंने 311 का नोटिस भी दे रखा है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने आश्वस्त भी किया है कि उसमें सुनवाई करेंगे। अब देखिए, सरकार को हम चाहते हैं कि संवेदनशील हो और ऐसे लोगों के आंसू पोंछने का काम करे जो लोग बर्बाद हो चुके हैं, जो लोग पूरी तरीके से जिनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जिस तरह से गत 2 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में वर्षा ने अपना आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है, उससे प्रदेश के किसान बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। जहां आलू की फसल तबाह हो गई है, वहां गेहूं की फसल, सरसों की फसल और तमाम फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई है। किसानों को जो अभी पिछले हफ्ते जो हालात खराब थे उसके बाद दोबारा ये मार झेल रहे हैं किसान। उसका मुआवजा, अभी पहली बार का मुआवजा तो दिया नहीं गया है, उसका मुआवजा दिया जाने का हम मांग करते हैं। बेमौसम बरसात की वजह से हाथरस में किसान परेशान है। बारिश की वजह से आलू और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से खेतों में मौजूद आलू के सड़ने की आशंका बढ़ गई है। किसान अब बारिश बंद होने की दुआ कर रहे हैं और साथ ही किसान सरकार से भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो बेमौसम बारिश ने एक तरह से आफत खड़ी कर दी है किसानों के सामने। जो मेहनत करके उन्होंने फसलें तैयार की थी वो बर्बाद हो गई है, भेंट चढ़ गई है बारिश के। अब करें तो वो करें क्या? मुआवजे की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मुआवजा उनके नुकसान की भरपाई कर पाएगा? बारिश से काफी नुकसान हुआ है, काफी आलू खराब हुआ है। वैसे पूरी जानकारी तो फसने के बाद मिलेगी, लेकिन फिर भी परेशानी काफी हो रही है। साथ में हो सकता है 15-20% के करीब आलू खराब हो गया हो। गेहूं में तो काफी नुकसान है, गेहूं तो बिल्कुल लिटा दिया है, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। 400 बीघा के करीब बाकी तो लेके की थी, उसके बाद ये बारिश होने के कारण हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसमें तो आलू सड़ा हुआ निकल रहा है। इससे करीब करीब 20-25% तक
हमारा आलू सड़ गया है। हाँ, गेहूं में भी नुकसान है और आलू में तो ज्यादा ही है। और यार यूपी के कई इलाकों में बेमौसम बारिश से जहां फसलें बर्बाद हो गई हैं, वहीं सब्जियों और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। मेरठ में भारी बारिश के बाद फसलों को खासा नुकसान हुआ है। यहां पर सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं, तो वहीं उन्नाव में भी फलों और सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। फतेहपुर में भी बेमौसम बारिश ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है, तो वहीं फरुखाबाद में भी सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग बेहाल हैं। इधर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सुल्तानपुर में बारिश से फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, तो वहीं बारिश के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगी सब्जियों और फलों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते कानपुर में भी सब्जियां महंगी हो गई हैं। मटर, टमाटर, लौकी समेत सभी सब्जियों के दाम में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। आम लोगों के लिए महंगी सब्जियां खरीदना मुश्किल हो रहा है। बारिश हो रही है और नासिक आसिक में ओला गिर गया, बर्फ गिर गई है, इसलिए फसलें बर्बाद हो गई। अब फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए सब्जी और फल जो बाहर से आने वाले हैं उस पे महंगाई और बढ़ सकती है। कांग्रेस ने राजघाट से संसद तक भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ मोर्चा निकाला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कांग्रेस चाहती है कि सरकार भूमि अधिग्रहण बिल में उनके संशोधन को शामिल करे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ये बिल किसान विरोधी है। सरकार लैंड बिल को पहले ही लोकसभा में पास करा चुकी है, लेकिन राज्यसभा में इसे पास कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार राज्यसभा में अल्पमत में है। सरकार आज लैंड बिल को राज्यसभा में रखने वाली थी, लेकिन अब इसे कल पेश किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण बिल 9 संशोधनों के साथ लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में इस बिल का पास होना आसान नहीं है। कांग्रेस मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल का लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस बिल में और बदलाव चाहती है। एक नजर कांग्रेस की मांगों पर। जमीन अधिग्रहण से पहले 70 से 80% किसानों की सहमति, तो दूसरा निजी कंपनियों के लिए 80% किसानों की सहमति जरूरी है। पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70% जमीन मालिकों को सहमति ली जाए और अधिग्रहण के सामाजिक असर का ऑडिट हो, 5 साल में जमीन प्रयोग न होने पर वापस हो, प्रोजेक्ट की मियाद या 5 साल में जो पहले हो उसको संशोधन में रखा जाए, राज्यसभा में बिल पास होने से पहले सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। तो ये कांग्रेस की मांगे हैं जो भूमि बिल पर रखी गई हैं, कि ये चीजें ये क्लॉज होने चाहिए, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और इन्हीं बातों को लेकर आज प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि लोकसभा में तो ये बिल पास हो चुका है, सरकार ने पास करा लिया, लेकिन अब मुश्किल तो राज्यसभा में आ रही है। तो ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ भट्टा पारसौल के किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसान नेता मनवीर तेवरिया के नेतृत्व में किसान धरने पर बैठे। आपको बता दें कि तेवतिया पिछले 15 दिनों से अनशन पर है। कांग्रेस में कुछ बड़े फेरबदल जल्द हो सकते हैं। राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, साथ ही शीला दीक्षित को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया जा सकता है। इसके अलावा मोतीलाल वोरा की जगह अहमद पटेल को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया जा सकता है। खबर है कि राहुल की इच्छा के मुताबिक ये बदलाव किए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस यूपी में पार्टी को रिवाइव करना चाहती है, और इसी के मद्देनजर पार्टी ये एक्सपेरिमेंट कर रही है। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए पार्टी यूपी में अपने आप को वापस लाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस को लगता है कि संगठन फेरबदल करके एक बार फिर से यूपी में खोया हुआ जनाधार वापस पाया जा सकता है। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस की पूछताछ और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मुद्दे पर आज लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा तक मार्च निकाला गया। निर्मल खत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जासूसी के मामले में सरकार सफाई देकर बचना चाहती है, और मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह को मोदी सरकार षड्यंत्र करके फंसाना चाह रही है, और दूसरी तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं, जासूसी का प्रकरण उनके संदर्भ में सामने आया है, जिसको रूटीन मामला कहकर के बहुत सस्ते में निपटाने की कोशिश की जा रही है। इसकी निंदा की है, भर्त्सना की है, आलोचना की है, विरोध व्यक्त किया है, और नेतृत्व को डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी जी को यह विश्वास दिलाया है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भविष्य में आने वाली विपरीत से विपरीत किन्हीं भी परिस्थितियों में एकजुट होकर के संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि जिस दिन भगवान मंदिर बनवाना चाहेंगे उस दिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो रोक ले। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ करवाने वाले वो हैं, जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन किसी की हिम्मत नहीं रोक लेगी, और वही करवाने वाले हैं। मैं तो भगवान पर विश्वास करती हूँ, जो उनसे करवाना होगा, मंदिर बनवाना होगा, वो बनवा लेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। बढ़ते आगे, पूर्व बीएसपी नेता जुगल किशोर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बीएसपी के संस्थापक कांचीराम को भारत रत्न देने की मांग की। इसके साथ ही कांचीराम की जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित करने की भी मांग की है। पत्र लिखा था, उसमें मांग की थी माननीय कांचीराम साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, उनके जन्मदिन पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए, उनकी प्रतिमा पार्लियामेंट के अंदर लगाई जाए, उनका चित्र भी पार्लियामेंट के अंदर लगाया जाए। इस पद को हमने पहले लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे समय दिया। जब गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी मुझसे मिले और मैंने उनको पत्र दिया वही, और मैंने मांग दोहराई। उन्होंने पत्र को पढ़ा और कहा कि बहुत अच्छा है और मैं इस पे विचार करेंगे। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ की शालीमार गार्डन इलाके में बदमाशों ने गन प्वाइंट पर एक महिला से लूट की है। विरोध करने पर महिला और उसके बच्चे को बदमाशों ने चाकू मार दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यादराम भारती जी मेरे संवाददाता हमारे साथ है। यादराम, बदमाशों के बारे में कुछ पता लग पाया है? देखिए श्वेता, ये शालीमार गार्डन इलाके की घटना है जो कि साहिबाबाद में है। आज दिन में एक महिला और एक उसका बच्चा घर में अकेले थे, तभी दो बदमाश घर में घुसे, और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर एक कोरियर बन के ये वहां पर घुसे, और जैसे ही उन्होंने अंदर एंटर किया, गन पॉइंट पर लेकर यहां पर लूटपाट शुरू कर दी। लूटपाट करने पर जब महिला ने इसका विरोध किया और शोर मचाया तो बदमाश भागने लगे, और भागते समय उन्होंने जो बच्चा था और जो महिला थी उसको चाकू मार दिया, और भागते भागते ही इस दौरान जो बदमाश है उनका जो तमंचा था, जो बंदूक थी, वो भी गिर गई वहां पे। फिलहाल जो पुलिस है उन्होंने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, और इस जो अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई उनका ये भी कहना है कि इस मामले में कुछ जो युवक है उनको हिरासत में लिया गया है और अभी पूछताछ की जा रही है। जी, चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पार्टी के मोर्चे के प्रभारियों की घोषणा कर दी है। दयाशंकर सिंह को युवा मोर्चा, संयुक्त भाटिया को महिला मोर्चा, संयुक्ता भाटिया को महिला मोर्चा, हरद्वार दुबे को अल्पसंख्यक मोर्चा, हरनाथ यादव को किसान मोर्चे का प्रभारी बनाया गया है। अवनीश विद्यार्थी जी मेरे संवाददाता हमारे साथ है। अवनीश, क्या कुछ माना जाए, कितना मजबूत होगी बीजेपी इस कदम के बाद? देखिए, कोशिश है इसमें जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उनको अलग अलग पार्टी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इसमें अलग अलग, चाहे महिला मोर्चा हो या युवा प्रकोष्ठ हो या फिर और भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, इन सभी को अलग अलग मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, और वो उसके आधार पर अब काम करेंगे। तो एक टीम वर्क की बात है, और उसी लिहाज से जो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाहरी, उन्होंने जिम्मेदारी का बंटवारा किया है। चलिए अवनीश, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमेठी में बर्ड फ्लू के चलते 1000 संदिग्ध पक्षियों को मारा जा चुका है। शुकुल बाजार के पूरे गोसर इलाके में कल 100 और आज 40 कबूतरों को मारा गया। स्पेशल टीम संदिग्ध पक्षियों को मारने में जुटी है। आपको बता दें कि यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। अमेठी में 300 से ज्यादा पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने यूपी के सभी कमिश्नरों और डीएम को एवियन इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए सावधानीपूर्ण कदम उठाने के लिए कहा गया है। तो जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम बनाया जो 24 घंटे खुला रहेगा। इस कंट्रोल रूम का नंबर है 0536824244300। आला अधिकारियों की मौजूदगी में बर्ड फ्लू के संदिग्ध पक्षियों को मारने की कार्रवाई की जा रही है, और सुल्तानपुर अमेठी में स्पेशल वार्ड भी बनाए गए हैं।
अमेठी में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद से यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। शासन ने अमेठी और सुल्तानपुर में आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। सुल्तानपुर में आइसोलेशन वार्ड बेहद खराब हालत में है। यहां ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही बर्ड फ्लू से जुड़ी जानकारी देने के लिए स्टाफ मेंबर। इतना ही नहीं, वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हालांकि सुल्तानपुर के सीएमओ आइसोलेशन वार्ड में पुख्ता इंतजाम होने का दावा कर रहे हैं। खबर आगरा से, जहां पर कुछ दबंग युवकों ने एक ड्राइवर को लात घूंसों से जमकर पीटा। ये पूरी घटना थाना लोहा मंडी इलाके की है, जहां पर मेटाडोर ड्राइवर को कार सवार युवकों ने महज इसलिए जमकर पीटा क्योंकि इस ड्राइवर ने जाम में इन दबंगों को आगे जाने का मौका नहीं दिया। पहले एक युवक ने इस ड्राइवर को गाड़ी से जबरन खींचा और फिर सरे रहा इसको लात घूंसों से जमकर पीटा। किस तरह से इसको पीटा ये तस्वीरों में कैद हो गया है। इन दबंगों को किसी का खौफ नहीं है, साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर कानून व्यवस्था का भी इनको खौफ नहीं है, प्रशासन का भी खौफ नहीं है। कैसे इसको पीटा जा रहा है, इन्हें डर नहीं है इस बात का कि इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, जेल जा सकते हैं। मैनपुरी के दन्नाहा थाना क्षेत्र के कपूरपुर गांव में मंचले को पंचायत ने जूता मारने का फरमान सुनाया है। दरअसल कक्षा 11 की छात्रा जब अपने घर में अकेली थी, तभी आरोपी उसके घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीड़ित के चिल्लाने पर परिजन आ गए, लेकिन आरोपी फरार हो गया। परिजन ने जब इसकी शिकायत थाने में करनी चाहिए तो पुलिस से समझौता कराने का प्रयास किया। इस पंचायत बुलाई गई इस पूरे मामले पर और आरोपी को 50 जूते मारने का फरमान पंचायत ने सुनाया। थाने गया मैं, वहां पर रिपोर्ट नहीं दिखी गई मेरी। फिर ग्राम समाज ने पंचायत बैठा कर उन्होंने उसे दंडित किया गया, उसके जूते लगे। कितने जूते का? 50 का।